नमस्कार, टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी और मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है किसान आंदोलन, अब देश के अन्य राज्यों में भी पहुंचेगा। देश के अलग अलग राज्यों में किसान आज से सांकेतिक प्रदर्शन की करेंगे शुरुआत। उधर मध्य प्रदेश में राज्य की शांति बहाली पर शनिवार से उपवास पर बैठे सीएम शिवराज सिंह चौहान का उपवास आज भी जारी रह सकता है। आज भी किसानों की समस्याएं सुनेंगे शिवराज, शांति होते ही उपवास तोड़ने की बात कही। जीएसटी परिषद की 16वीं बैठक आज, मसौदा नियमों में संशोधन पर हो सकती है चर्चा। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे अध्यक्षता, सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी रहेंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चतुर बनिया बताने के बाद दी सफाई, कहा सभी जानते हैं उन्होंने किस संदर्भ में कही थी बात। आपको बता दें कि कल एक संवाददाता सम्मेलन में अमित शाह ने महात्मा गांधी को बताया था चतुर बनिया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने की थी उनसे माफी मांगने की मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने भी महात्मा गांधी पर टिप्पणी के लिए अमित शाह की तीखी आलोचना की और शाह से अपने बयान को वापस लेने और देश से माफी मांगने के लिए कहा। सहारनपुर हिंसा पर योगी सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट, रिपोर्ट में भीम आर्मी और बीजेपी सांसद सवालों के घेरे में। गृह मंत्रालय को भेजी गई 6 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक भीम आर्मी ने सहारनपुर में जातीय हिंसा को दी थी हवा, तो वही प्रशासन की नाकामी ने भी इस हिंसा को भड़कने में की थी मदद। सीएम योगी की रिपोर्ट में एक और अहम खुलासा, सहारनपुर के दोनों बड़े अफसरों यानी कि डीएम और एसएसपी के बीच नहीं था कोई समन्वय, जिससे हिंसा को काबू करने में हुई दिक्कत। सहारनपुर हिंसा में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर और बीएसपी के पूर्व विधायक रविंदर उर्फ मोलू ने भी निभाई थी अहम भूमिका। चंद्रशेखर की अगुवाई में भीम आर्मी ने राजपूत और दलितों के बीच जानबूझकर किया था हिंसा भड़काने का काम। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की बड़ी मुश्किल है, उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक देने के मामले में उठी जांच की मांग। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद फरहतुल्ला बाबर ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के शासन के दौरान ईरान और उत्तर कोरिया को दी गई परमाणु तकनीक के मामले की होनी चाहिए पूरी जांच। चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में आया एक नया मोड़, अस्ताना में नहीं हुई जिनपिंग और नवाज शरीफ की मुलाकात। हाल ही में हुई थी पाकिस्तान में 2 चीनी नागरिकों की हत्या, उसी के बाद से ही चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में है आया नया मोड़। पाक सेना प्रमुख बाजवा के एलओसी दौरे के बाद पाक आर्मी ने भारतीय चौकियों पर दागे मोर्टार, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बाजवा के शनिवार को एलओसी का दौरा करने के बाद देर शाम पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके की कृष्णा घाटी में भी किया था सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने की सीज फायर के उल्लंघन होने की पुष्टि, कहा कल शाम 8:30 बजे पाकिस्तान ने शुरू की थी फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया है फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा ने 1 महीने के दरमियान तीसरी बार किया है एलओसी दौरा। बाजवा के दौरे के बाद पाक सेना हर बार देती है किसी भी बड़ी घटना को अंजाम। पाकिस्तान पर भड़के बाबा रामदेव, कहा पीओके का अविलंब अधिग्रहण करे भारत, पाकिस्तान के सारे अपराध की जड़ है पाक अधिकृत कश्मीर। सेना प्रमुख बिपिन रावत का बयान, कहा सोशल मीडिया के जरिए भड़काया जा रहा कश्मीरी युवाओं को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने क्या स्पष्ट, आयकर रिटर्न दाखिल करने या फिर नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर होगा जरूरी। सीबीडीटी
सीबीडीटी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से केवल उन लोगों को मिली है आंशिक राहत जिनके पास अभी तक नहीं है आधार नंबर या फिर जिनका नहीं हो पाया आधार में पंजीकरण। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने में जुटी मोदी सरकार को बैंक दे सकते हैं एक बड़ा झटका। बैंक एनबीसीआई द्वारा कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए लॉन्च किए गए यूपीआई ऐप पर चार्ज लगाने की तैयारी। जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा शुरू। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को फॉर्म देने की शुरुआत। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने देश के 23 रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने का किया फैसला। राजस्थान का उदयपुर और यूपी के 2 रेलवे स्टेशन भी लिस्ट में शामिल। 28 जून को ऑनलाइन होगी नीलामी। संगम नगरी इलाहाबाद से माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार ने इलाहाबाद से माता वैष्णो देवी के धाम तक जाने के लिए नई ट्रेन की शुरुआत की। दिल्ली और कोलकाता के बीच अब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हावड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में की घोषणा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का बयान, कहा रेलवे के विकास में राजनीति को नहीं होने दूंगा हावी। भविष्य में भी राज्य में रेलवे के विकास के लिए आएगी धन की कमी। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मना रहे हैं आज अपना 70वां जन्मदिन। रात 12 बजे परिवार के साथ काटा केक। बेटे तेजस्वी यादव ने शेयर की तस्वीर। बिहार में बदमाशों में नहीं है पुलिस का कोई भी खौफ। बिहार सरकार में मंत्री से मांगी 10 लाख रुपए की रंगदारी, ना देने पर बम से उड़ाने की धमकी। धमकी के बाद मंत्री जी ने फौरन सचिवालय थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। बिहार सरकार में गन्ना मंत्री हैं खुर्शीद आलम, पुलिस जांच में जुटी। मथुरा में दिल दहला देने वाला कार हादसा। मथुरा भरतपुर रोड पर एक इनोवा नहर में पलट गई, 10 लोगों की मौत, लोगों की शिनाख्त। महाराष्ट्र के बीड में भी हुआ आज एक सुबह सड़क हादसा जिसमें 9 लोगों की मौत, एक दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। बस पुणे से लातूर जा रही थी, स्पीड ज्यादा होने की वजह से हुआ हादसा। राजस्थान के बहुचर्चित भवरी देवी हत्याकांड में नया मोड़। आरोपी इंदिरा बिश्नोई ने कहा कि भवरी देवी जिंदा है और बेंगलुरु में रह रही है। उनके वकील ने इंदिरा के दावे का समर्थन किया और कहा कि सीबीआई ने नहर से जो हड्डियां बरामद की थी वो भवरी की नहीं थी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज हुआ बदलाव तो 16 जून को करेंगे हड़ताल। ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने लिया फैसला। इस संबंध में पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को खत लिखकर जाहिर की है अपनी चिंता। पेट्रोलियम मंत्री ने अभी तक नहीं दिया कोई भी जवाब। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस जियो के खिलाफ भारती एयरटेल की शिकायत को किया खारिज। आयोग का दावा कि एयरटेल, आरआईएल और जियो की मुफ्त सेवाओं को लेकर की गई अपनी शिकायत में स्वीकार्य स्पष्टीकरण देने में रहा नाकाम। वनडे में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई टीम को इंग्लैंड ने शनिवार को दी कराई शिकस्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में आज साउथ अफ्रीका से होगा टीम इंडिया का सामना। दोनों टीमों के बीच होगी आज कांटे की टक्कर। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पर भारत की जबरदस्त जीत पर सहवाग के ट्वीट पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ भड़के। सहवाग के खिलाफ कई आपत्तिजनक और गंदी बातें कही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर सहवाग ने ट्विटर पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना भारत को उसका बाप बताते हुए पाकिस्तान का उड़ाया था मजाक। फिल्मकार मधुर भंडारकर ने सेना को समर्पित किया अवार्ड। शनिवार को न्यूयॉर्क के यूएन हॉल में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित हुए थे भंडारकर।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के ट्वीट से हुआ विवाद। साड़ी में पिक्चर ट्विटर पर शेयर कर लिखा, साड़ी दिवस तो क्या मुझे सांप्रदायिक संगी भक्त हिंदूवादी आदर्श कहेंगे। इसके बाद रवीना को ट्विटर पर ट्रोल किया जाने लगा। यूजर्स ने उनकी साड़ी को धर्म से जोड़ने के लिए उनकी आलोचना की, जिसके बाद रवीना ने माफी मांग ली। बॉर्डर जैसे युद्ध पर आधारित फिल्मों का निर्देशन कर चुके राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार जेपी दत्ता ने अपनी आगामी फिल्म पलटन का किया पहला लुक जारी। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का नया टीजर पोस्टर हुआ रिलीज। अक्षय ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। पोस्टर में अक्षय एक गोल फ्रेम में 10-10 के नोटों की माला पहनकर दूल्हे वाले लुक में आ रहे हैं नजर, जिनके ऊपर हो रही है नोटों की बारिश। दुनिया का पहला बैट्समैन अब नहीं रहा अमरीकी एक्टर एडम वेस्ट की 88 साल की उम्र में मौत। 1960 के दशक में उन्होंने बैटमैन के हिट टीवी सीरीज में सुपर हीरो ब्रूस वेन का लीड रोल निभाया था। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 9 के जरिए जल्द ही टीवी की दुनिया में वापस लौटेंगे अमिताभ बच्चन। बिग बी ने खुद की घोषणा, केबीसी के रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग में बिजी हुए बिग बी। आमिर खान की फिल्म दंगल से सुर्खियों में आई जायरा वसीम बाल बाल बची। मामला श्रीनगर का है। वो जिस कार में सफर कर रही थी वो डल झील में जा गिरी, हालांकि उन्हें मामूली चोटें आई हैं। और फिलहाल के लिए टॉप न्यूज़ में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।